1,00,000 पाठ प्रतिदिन। कैसी बात कर दी गुरु जी, हमें आप ऐसी बात तो हो नहीं सकता, तो फिर कितना हो सकता है? जितना हो सकता है उतने कर लो, जितने प्रेम पूर्ण कर सको, जितने अच्छे ढंग से कर सको। हर आदमी की कैपेसिटी, ये ऐसा समझिए जैसे आप उससे पूछते हैं कि मैं कितनी कचौड़ी खाऊं, तो हर आदमी के इसमें बहुत सारे लोग हैं। एक धरती धकेल था, हमारे साथ पढ़ता था वो स्कूल में, वो नाप के खाता था कॉलेज दिनों में, उसका नाम ही धरती धकेल था। वो किसी के मारुति टंटर फंसी गड्ढे में अकेला निकाल के बाहर रख देता था, किसी का झोटा अगर तबीयत खराब है किसी की भैंसी की तो जोड़ दो, थोड़ी देर उसको ले जाता था खींच के उसको खेत तक। वो मतलब पत्थर वत्थर उठाना ये सब करना 100-200 किलो उसके लिए आसान बात थी, तो नाप के खाता था। तो 3 बिलांद रोटी देना, बस ज्यादा नहीं, मतलब ऐसे ऐसे करके 3 बिलांद ऊपर से नहीं, फिर नाप के बोला हाँ ठीक है अब छोड़ दो, अब आप जाओ। तो जिसकी बारात में शादी में कहीं गया तो जो डोंगा था पूरा लेके किनारे खड़ा हो जाता था वो, कि भाई आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, कुछ और खा लो यार, सामान तो बहुत रखा है। तो उसमें पूरे डोंगे में रसगुल्ले भरे हुए होते थे या कुछ सामान होता था। तो ऐसा सिस्टम था उसका, जो वो पूरा जग लेके कोई राय तक आता था तो कहता दो मिनट ये खड़ा हो जा, एक अली दो अली लेता था वो, एक अली से पीता था फिर दूसरी फिर इधर फिर इधर फिर इधर। तो हर एक, अब उसे धरती धकेल से पूछते आप कि कितनी पूरी खाएगा, तो हो गया था कल्याण आपका, दोबारा लेने भेजना पड़ता आटे का पैकेट। तो मतलब ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, 70-80 कम से कम, जब उसकी तबियत खराब होती थी तब वो 80 पूरियाँ खा लेता था, और स्वस्थ में तो उसका हिसाब किसी ने कभी लगाया नहीं। जब उसको निमंत्रण भेजते थे शादी ब्याह का, तो चूल्हा नौत होती थी पहले, चूल्हा नौत पुराने लोग समझते हैं, रिश्ते आगे जी समझ रहे होंगे, और लोग भी आप में से कई लोग हैं वो समझ रहे होंगे, संतोष शर्मा जी समझ रहे होंगे, मुकेश पटेल को भी पता होगा, चूल्हा नौत पूरे घर को बुलाते थे कि आप खाने पर आमंत्रित हैं। तो बोलते थे सबको बुला रहे हैं, धरती धकेल को थोड़ा रहने रहने देना, तो वैसे तो सारे परिवार की दावत है, वो घर पे रहे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो आधा राशन तो उसी ने निपटा देना बारात का। तो अब ये आपकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है कि आप धरती धकेल हैं कि कौन से वाले हैं। तो आप जितना पाठ प्रसन्नता से आनंद से सौहार्द से कर पाए, अब अगर देखो गुरु से पूछो वो जो कर पाओ, और मुझ जैसे तो बिल्कुल, मैं बहुत सीरियस आदमी हूँ। मुझसे एक आदमी ने कहा कि हम एयरपोर्ट आपको लेने जाएंगे, मैंने कहा 1:30 बजे की फ्लाइट है रात्रि की, तुम क्यों परेशान होते हो, बच्चों के साथ ठीक रहेगा। तो बोले नहीं नहीं हम तो आना चाहते हैं, मैं तो आ जाना। वो बोले नहीं मैं तो ये कह रहा था कि मैं ये तो अगर मगर ही तो तुम्हारी मैं बता रहा था कि तुम्हें रहने ही दो, तो फॉर्मेलिटी ना करनी चाहिए कभी, आसानी से करो। एक बात एक की भी नहीं और हजार की भी नहीं, कभी कभी 1,000 बार कर लोगे तो भी शायद ना फल मिले, और कभी आधी बार में ही फल मिल जाए। अगर सही नंबर है, सही विधि है, सही समय है, तो पहली बार में भी फोन उठ जाता है, चाहे गुरु का हो चाहे गुरुओं के गुरु का हो। और वरना तो पूरी जिंदगी भी करते रहो, कॉल बात ही नहीं बनती, और फोन नंबर भी किसी और का हो तो और गड़बड़, और अगर बीच में ट्रू कॉलर लगा हो और बता दे स्पैम तो और मुश्किल, फिर वो गण जाने नहीं देते परमात्मा तक आदमी को, वो स्पैम उस पर लिखा हुआ जाता, तो बंदा चाहे ठीक भी हो तब भी उसका फोन रिसीव नहीं होता। तो ये बात ठीक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आर्याम अभयाम बायाम भजे रे रे चित सन Yeah.